शिव पुराण पढ़ रही थी, तो शिव पुराण में से आज एक कहानी पढ़ी आपके साथ शेयर करनी है। आप और हम सब जानते हैं कि भगवान शंकर को केतकी के पुष्प अर्पण नहीं किए जाते, उन्हें वो पसंद नहीं है। क्यों? आज ये कहानी बताती हूँ, शिव पुराण में से पढ़ी है मैंने आज सुबह। नमस्कार, 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार ब्रह्मा जी में और भगवान विष्णु के बीच में लड़ाई हो गई। ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम मेरे पुत्र हो। विष्णु जी कहने लगे, मैं तुम्हारा पुत्र हो? तुम मेरी नाभि से जन्मे हो, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नहीं मैं हूँ। दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। इतनी लड़ाई हुई, इतने वर्षों तक लड़ाई होती रही कि सारे के सारे देवता डर गए, सब शिव के पास गए। बोले कि ये दोनों आपस में अहम में लड़ रहे हैं, आप कुछ करिए। चले, शिव ने अपनी आंखें बंद करी, उनका युद्ध देखा, वहाँ पहुँचे और एक लिंग का रूप धारण करके दोनों के बीच में आ गए। अब दोनों सोचने लगे, ये पत्थर है क्या, ये लिंग है क्या? तो दोनों जो है, एक गया पाताल में ढूंढने के लिए कि ये लिंग है क्या, विष्णु जी, और एक गए आकाश में धरती पर ढूंढने के लिए कि ये लिंग है क्या। किसी को कोई भी बात पता नहीं चली, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी का पुष्प उठाया और बोला कि तुम मेरे साथ चलो और बता दो कि हमें पता है लिंग क्या है। केतकी के पुष्प ने आकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में आके बोला, सारे देवी देवता खड़े थे, कि मुझे पता है ये लिंग क्या है। इतने में भगवान जी जो है, उन्होंने अपने इस तीसरी आँख से जो है रुद्र रूप में भैरव को जन्म दिया और भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया और बोला, झूठ बोला तुमने, तुम्हें बिल्कुल गलत है और पता नहीं था, और केतकी का पुष्प तुमने इस झूठ में ब्रह्मा जी का साथ दिया, तो इसलिए मैं तुम्हें आज से अपने ऊपर पूजा में वर्जित करता हूँ। संसार तुम्हारे को अपने पास रखेगा, संसार तुम्हारा प्रयोग करेगा, लेकिन कभी भी मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। केतकी का पुष्प भगवान के चरणों में गिरा, बोला, माफ़ कर दो भगवान। ने कहा, कुछ चीज़ों की गलतियों की माफ़ी नहीं होती। ब्रह्मा जी को माफ़ करने के लिए सबने कहा, ब्रह्मा जी ने पैर पकड़े माफ़ी मांगी, भगवान ने उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि सृष्टि के अंदर हमारी किस्मत लिखने का काम, ये सृष्टि को बनाने का, इस सृष्टि की रचना करने का काम ब्रह्मा जी करते हैं। अब आप ब्रह्मा जी का 5वां सर काट देंगे तो ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे चलाएंगे? उनको एक मृत्युदंड दे दिया जाएगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो तिकड़ी है वो टूट जाएगी। भगवान प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी को माफ़ कर दिया और अपने अपने काम करने के लिए कहा। ये आज कहानी मैंने पढ़ी। आगे की कहानी भी शिव पुराण से आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि केतकी का पुष्प भगवान पर अर्पण क्यों नहीं किया जाता। प्लस सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी गलती आप करते हैं तो सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ती है, फिर चाहे भगवान हो या पुष्प। इसलिए गलतियाँ ना करें और झूठी गवाहियाँ ना दें। कमेंट्स में जय माता।